सुप्रभात बच्चों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल यूट्यूब चैनल फन विद हिंदी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 9th और 10th के नया रास्ता जो किताब है उसके 16th लेसन के बारे में। हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को आंसर करना इजी हो जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग 16th लेसन देखते हैं। 15 तक मैंने ऑलरेडी करा दिया, अगर आपका कुछ मिस हो गया है तो आप पहले वाले वीडियोस को फिर से देख लीजिएगा। ओके, तो इस अध्याय में, मतलब 16वां जो अध्याय है, इस अध्याय में किसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं? तो अभी लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि आशा जो है उसकी शादी ठीक हो गई है, और वो किससे शादी ठीक हुई है, इंजीनियर लड़का जो है जिसका नाम है आलोक, और उसी की शादी की तैयारियां चल रही थी, जिसमें वो शॉपिंग करने जाती है, साड़ी और चप्पल लेने जाती है। तो इस अध्याय में मीनू की छोटी बहन आशा की शादी की तैयारियां चल रही थी। तो जब शादी होने वाली रहती है किसी की, तो इस फैमिली में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे शॉपिंग्स करने होते हैं, तो ये सारे काम में मतलब सब लोग बिजी थे, तैयारी कर रहे थे। मीनू की बुआ जी को कौन और क्या मना किया जाता है? तो मीनू की बुआ जी जो है उनको कुछ मना किया जाता है, मतलब, और कौन वो मना करता है, ये क्वेश्चन है। तो मीनू की बुआ जी को दयाराम जी मना करते हैं मीनू के शादी के बारे में पूछने के लिए। तो मीनू जो है वो बड़ी बेटी थी और आशा छोटी बेटी थी, तो पिताजी को, दयाराम जी को ऐसा लगा कि कहीं उसकी बुआ, क्योंकि वो बुआ जो थी बहुत बोलने में तेज थी, तो कहीं वो क्वेश्चन ना पूछ दे इस तरह का। तो इसलिए मीनू की बुआ जी जो थी उनको उनके पिताजी दयाराम जी कह देते हैं कि तुम मीनू से इस तरह का क्वेश्चन प्रश्न मत पूछना, नहीं तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, बुआ जी ने जब आशा की शादी पहले कैसे हो रही है के बारे में पूछा, तब दयाराम जी ने क्या कहा? तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर दो बहनें घर में हैं तो बड़ी बहन की पहले शादी होगी। तो यहाँ पे बुआ जी पूछ रही है क्वेश्चन अपने भाई से, भैया से, दयाराम जी से, जो मीनू के पिताजी हैं, कि आप आशा की शादी पहले कैसे करा सकते हैं, पहले तो मीनू बड़ी है तो मीनू की शादी होनी चाहिए थी। तो दयाराम जी क्या इस पे आंसर करते हैं? दयाराम जी ने कहा कि आजकल इन बातों को कौन मानता है, और मीनू अभी वकालत पढ़ रही है। तो वो डायरेक्टली कह देते हैं कि आजकल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बड़ी बहन की शादी नहीं होती, छोटी की नहीं हो सकती, तो आजकल ये सब बातों को ज्यादा लोग नहीं मानते हैं, और वैसे भी मीनू जो है वो भी पढ़ाई कर रही है, वकालत कर रही है, लॉ कर रही है, तो बीच में वो अपनी पढ़ाई को छोड़ के शादी नहीं करना चाहती है। नेक्स्ट है, आरती के रस्म के लिए सभी ने मीनू को क्या सुनाया? तो शादी हो रही थी तो शादी में एक रस्म था आरती दिखाने का, जो एक्चुअली बड़ी बहन करती है। तो अब देखो क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिखेंगे, आरती के रस्म के लिए सभी ने कहा कि इसे तो सिर्फ विवाहित बड़ी बहन करती है, फिर मीनू कैसे करेगी? विवाहित मीन्स मैरिड एल्डर सिस्टर ही सिर्फ इस रस्म को, ये जो एक सेरेमनी है उसको कर सकती है। लेकिन सब लोग क्वेश्चन पूछने लगते हैं वहां पे जितने भी लोग होते हैं कि ये कैसे कर सकती है, सब लोग उसको अलग नजर से देखने लगते हैं कि ये इसकी तो शादी नहीं हुई है, बड़ी बहन तो है लेकिन इसकी शादी तो हुई नहीं है, मैरिड रहती तब ये रस्म कर सकती थी, लेकिन वो क्यों कर रही है, कैसे कर रही है। जब मीनू ने आरती की रस्म शुरू की तब सभी लोगों ने क्या किया? तो सभी लोग क्या करते हैं फिर, जिस तरह से वो आरती शुरू करती है, वो रस्म पूरा करने लगती है, तब क्या होता है, जब मीनू ने आरती की रस्म शुरू की तब सभी महिलाएं उसे कटाक्षपूर्ण निगाहों से देखती। कटाक्षपूर्ण मतलब क्रिटिक, मतलब वो ऐसे नजर देती कि कैसे वो कर सकती है, इस तरह से उनकी निगाहें थी। मीनू ने यह रस्म कैसे किया और फिर क्या हुआ? तो मीनू इस रस्म को पूरा करती है क्योंकि वही उसकी बड़ी बहन थी, ये अलग बात थी कि वो अनमैरिड थी, तो वो कैसे करती है और फिर क्या होता है। मीनू जब
मीनू यह रस्म बहुत दुखी होकर करती है। रस्म वो करती तो है लेकिन वो बहुत दुखी थी अंदर से, क्योंकि सभी लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, बोल रहे थे कि क्यों कर रही है वो, उसे नहीं करना चाहिए। और फिर एकांत में जाकर रोने लगती है। तो जैसे ही वो कंप्लीट करती है ये रस्म, ये रिचुअल, तो उसके बाद वो एकांत में, मतलब शांत वाले जगह पे चली जाती है और रोने लगती है अपने रूम में। शादी के दिन आशा और मीनू कैसी लग रही थी? तो अब हम लोग एक्चुअली जो देख रहे हैं वो शादी होने वाली है आशा की, तो वो दोनों कैसी लग रही थी? तो शादी के दिन आशा और मीनू बहुत सुंदर लग रही थी। तो आशा की तो शादी ही थी तो वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, साथ में मीनू ने भी जो साड़ी पहना था उससे वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। ठीक है, जब एक महिला ने पूछा कि मीनू की शादी अभी तक क्यों नहीं हुई, तो शादी जब होती है तो उसमें बहुत सारे लोग आए रहते हैं, तो एक महिला जो है वो पूछती है कि मीनू की, यानी कि बड़ी बहन मीनू की शादी अभी तक क्यों नहीं हुई है, क्या रीजन है? तो महिला ने उत्तर दिया कि आजकल लड़कियों के अपने नखरे होते हैं। फिर दूसरी महिला बताती है, तो फर्स्ट जो महिला है, यहाँ पे सब लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो एक महिला बताती है कि आजकल लड़कियां जो है वो उनका अपना कुछ एटीट्यूड होता है, वो बहुत ही नखरे दिखाती हैं। फिर दूसरी महिला बताती है कि वह अभी वकालत पढ़ रही है। तो दूसरी महिला, शायद उनको मालूम था इसलिए वो बता देती है कि एक्चुअली रीजन ये है कि वो अभी पढ़ाई कर रही है, तो पढ़ाई के बीच में वो शादी नहीं करना चाहती। वो क्या कर रही थी अभी? वकालत। आशा की विदाई के बाद सभी क्या करते हैं? तो जैसे ही आशा की विदाई होती है, मतलब शादी का रस्म जब हो जाता है, तो लास्ट जो रिचुअल होता है वो विदाई होता है, मतलब घर, ये लड़की की जो, लड़की का जो घर होता है वो उसके पेरेंट्स का जो घर होता है वहां से वो छोड़कर चली जाती है अपने हस्बैंड के घर। तो ये जो विदाई होता है, आशा की विदाई के बाद सभी रोने लगते हैं। तो कोई भी फैमिली में अगर कोई लड़की जन्म से वहां रहती है और उसकी जब शादी होती है, शादी के बाद जो लास्ट रिचुअल होता है विदाई होने का, उसमें सभी लोग को थोड़ा रोना आ जाता है कि अब ये बेटी जो है अब वापस बेटी की तरह तो नहीं आएगी, एक एक गेस्ट की तरह आएगी। ठीक है, आशा की विदाई के बाद सभी रोने लगते हैं। पिताजी अपने ऊपर संयम रखकर काम में व्यस्त हो जाते हैं और मीनू माँ को शांत करने में लग जाती है। तो क्या होता है कि जब आशा चली जाती है, विदाई उसकी हो जाती है, तो पिताजी भी रोते हैं लेकिन वो अपने आप कंट्रोल करते हैं, संयम रखते हैं और वो कुछ काम में बिजी हो जाते हैं, अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं। और मीनू की माँ जो है वो रो रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी कि मेरी बेटी अब चली गई। तो मीनू जो है उनको शांत कर रही थी, बोल रही थी कि आप मत रोइए, दूसरी बेटी तो आपके पास नहीं पड़ी है। तो जब मीनू ने कहा कि वह शादी नहीं करेगी, तब माँ ने क्या उत्तर दिया? तो जब वो शांत कर रही थी तो मीनू ने कह दिया कि माँ एक बेटी चली गई तो क्या हुआ, मैं तो यहाँ हूँ, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इस तरह से रोएं। तो माँ ने कहा कि बेटी तो पराया धन होती है, वह अपने घर में ही शोभा देती है। तो यहाँ पे माँ जो है वो कह रही है कि बेटी जो होती है, तुम मेरी बेटी हो तो तुम मेरे लिए पराया धन हो। पराया धन मतलब दूसरे का धन हो, क्यों ये इस घर में तुम रह रही हो लेकिन तुम पराई हो, और तुम जब ससुराल जाओगी, जब अपने घर जाओगी तो वहीं पे तुम शोभा दोगी, मतलब तुम्हारी ब्यूटी वहीं पे होगी, यहाँ पर नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये था इस लेसन में, लेसन नंबर 16 में, 16वें में। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।